कोरोना वैक्सीन पर इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें। प्रधानमंत्री मोदी ने ट्वीट कर वैक्सीन पर जानकारी दी है। जायडस कैडिला डीएनए आधारित वैक्सीन बना रही है, ये जानकारी प्रधानमंत्री ने दी है। अहमदाबाद के जायडस बायोटेक पार्क में वैक्सीन को विकसित किया जा रहा है। अहमदाबाद जायडस बायोटेक पार्क का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दौरा आज किया, जिसके बाद उन्होंने इसकी जानकारी दी। आखिर किस बेस पर इस वैक्सीन को तैयार किया जा रहा है, क्या कुछ उसकी टेक्नोलॉजी है, उसके बारे में प्रधानमंत्री ने यह ट्वीट किया है। प्रधानमंत्री ने ट्वीट करते हुए बताया कि जायडस कैडिला जो वैक्सीन बना रही है वो पूरी तरीके से डीएनए आधारित है। अहमदाबाद के जायडस बायोटेक पार्क में इस वैक्सीन को विकसित किया जा रहा है। तो ये 5 तस्वीरें आखिर किस तरीके की स्थितियां जो है वैक्सीन को लेकर हैं, उसकी ये बड़ी अपडेट। सीरम की वैक्सीन सबसे पहले आएगी। तीसरा चरण काफी सफल रहा है, इसे लेकर लगातार कोशिशें जारी हैं। साथ ही साथ साइड इफेक्ट्स काफी कम हैं। वहीं पहला जो वैक्सीन है वो जल्द आएगा और वैक्सीन के पहुंचाने की पूरी तरीके से तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं। और वह ये 6 तस्वीरें आखिर कहां कहां पर जो वैक्सीन है इस वक्त बन रही हैं। सबसे पहले अहमदाबाद और दूसरा जो वैक्सीन है वो है जायकॉव डी। वहीं हैदराबाद जहां पर वैक्सीन को डेवलप किया जा रहा है कोवैक्सीन को, इसके अलावा पुणे में जो वैक्सीन इस वक्त डेवलप की जा रही है वो है कोविशील्ड। वहीं एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणधीर गुलेरिया ने अगले साल की शुरुआत में कोरोना वैक्सीन आने की उम्मीद जताई है। अगर हम ट्रायल्स को की देखें तो ट्रायल्स जो हुई हैं, चाहे हम ऑक्सफोर्ड वैक्सीन की बात करें या फाइजर या मॉडर्ना की, बहुत इंकरेजिंग डेटा आया है कि वैक्सीन जो है वो एफिकेशियस है। पहले ये डर था कि इतने शॉर्ट टाइम में हम वैक्सीन बना रहे हैं उसकी एफिकेसी कितनी होगी, तो 70-90% से ज़्यादा एफिकेसी है। हम पहले ये मान के चले थे कि 50% भी एफिकेसी हो तो भी ये अच्छा रहेगा, हम उससे कहीं आगे निकल गए हैं। भारत में 4-5 वैक्सीन के ट्रायल चल रहे हैं और काफ़ी वो लास्ट स्टेज या अंतिम चरण पे हैं। अगर हम सीरम इंस्टीट्यूट की बात करें, भारत बायोटेक की वैक्सीन की बात करें, जायडस की कैडिला की वैक्सीन है और डॉक्टर रेड्डीज लेबॉरेटरी जो रशियन वैक्सीन है उसका भी ट्रायल चल रहे हैं। तो अगर हम ये देखें तो अगले साल की शुरुआत में कई इन वैक्सीन्स को हमारे रेगुलेटरी अथॉरिटी से अप्रूवल मिल जाना चाहिए। सिर्फ